हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप सभी लोग जानते हैं इस वीडियो सीरीज में हम वर्ड पावर मेड इजी में जो पीछे डिक्शनरी दी गई है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं एक बार फिर से बता दूं, वर्ड पावर मेड इजी में शुरुआत में जो सेशंस दिए गए हैं वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 46 सेशंस हैं वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जो वीडियो सीरीज है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री आप देख रहे होंगे, इसमें हम लोग जो पीछे की पार्ट तरफ उसमें डिक्शनरी दी गई है उसे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज, ये आपका वीडियो नंबर 9 है, वोकैबुलरी 9 है, सेशन 9 है। इसके पहले के सेशंस मैंने कवर कर रखे हैं इसी चैनल पर, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, और ये आपका पहला वीडियो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वीडियो प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप AMANT, ये रेफरल कोड है, इसे इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6500 रुपए का दिखता है, क्योंकि आप अगर AMANT कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिर्फ 10% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अगर आपने आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन और एनीथिंग, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको नीचे स्क्रॉल पे दिख रहा है 8299117042 पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरी डेली 2 फ्री क्लासेस हो रही हैं। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास है जो कि दोपहर के 1 बजे होती है, दूसरी क्लास मेरी इंग्लिश मॉक टेस्ट है फॉर एसएससी एग्जामिनेशन, ये डेली 5 बजे होती है। ये दोनों क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई चार्ज नहीं होता। आपको सिर्फ अनअकैडमी पे जाना है, अमन त्रिवेदी सर्च करना है और फॉलो कर लेना है, और उसके बाद आपको मेरी इन क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो इस क्लास में अगर आपने एनरोल नहीं किया है अभी तक तो एनरोल कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इन क्लासेस का लिंक चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @AmanTrivedi, जो आपको दिख रहा है इसको सर्च करिए टेलीग्राम पे, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लेंगे। अगर वहां से नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो की PDF भी आपको वहीं पर मिलती है। जो कल का वीडियो है उसकी PDF आपको आज मिल जाती है। अगर Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो @AmanTrivedi आखिरी में लगाएंगे तो आपको मेरा Instagram हैंडल मिल जाएगा, अमन त्रिवेदी नाम से ही मेरा Instagram अकाउंट है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की डिक्शनरी शुरू करते हैं, और आज का हमारे पहला वर्ड देखिए क्या है। पहला वर्ड हमारा है शार्लेटन। शार्लेटन इज अ वेरी गुड वर्ड, और एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये टर्म कई बार SSC ने पूछा है। मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव नॉलेज और स्किल्स दैट दे डू नॉट रियली हैव। कहने का मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसके पास किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज है बल्कि है नहीं, यानी कि वो ऐसा दिखावा करता है कि उसके पास इस सब्जेक्ट की नॉलेज है लेकिन उसके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई नॉलेज नहीं होती, उसे हम शार्लेटन कहते हैं। इसके सिनोनिम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। सिनोनिम हो जाएंगे फेक, फेकर, फकीर, फ्रॉड, होक्सर हो जाएगा, हम्बग हो जाएगा, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब मुन्ना भाईगिरी करना होता है, और माउंट बैंक हो जाएगा फोनी, प्रिटेंडर, क्वैक, क्वैक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और क्वैक स्लेवर, ये सारे टर्म्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज नथिंग अबाउट मेडिसिन, ही इज कंप्लीट शार्लेटन। तो शार्लेटन जो टर्म है ये ज्यादातर झोला छाप डॉक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने लर्न टॉप का वीडियो देखा होगा जिसमें एक झोला छाप डॉक्टर का ये वीडियो वायरल हुआ था। तो झोला छाप डॉक्टर के अगर आपको अंग्रेजी में बोलना है तो झोला छाप डॉक्टर को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शार्लेटन या फिर क्वैक। ये दो टर्म्स याद रखिए, शार्लेटन एंड क्वैक, ये दोनों का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नॉलेज नहीं है बट वो प्रिटेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज होने को। अगला टर्म है आपका चैस्प। चैस्प का मतलब होता है डीप ओपनिंग और ब्रेक इन का ग्राउंड, जिसे आप हिंदी में खाई कहते हैं। तो एबिस्म हो जाएगा एबिस, डीप, गल्फ, ओशन, ये सारे आपके टर्म रहते हैं। सडनली अ ह्यूज चैस्प ओपन्ड इन द अर्थ, तो चैस्प जो है आप ये पिक्चर ऐसे याद रख सकते हैं कि खाई को हम बेसिकली चैस्प कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। CHASM मतलब हो जाता है चैस्प, प्रोनाउंस करते हैं मतलब हो जाता है खाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अगला टर्म हमारा क्या है आपका, अगला टर्म हमारा होता है आपका नेक्स्ट है चेस्टाइज। चेस्टाइज ये टर्म हम लोग कर चुके हैं, चेस्टाइज, कास्टिगेट, ये सारे टर्म हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि आपने कुछ गलत किया है और उसकी वजह से आपको सजा मिले या क्रिटिसाइज हो रहा है तो उसे चेस्टाइज करना कहते हैं। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। ठीक है,
सिनोनिम्स मैंने पहले भी बताए हैं, मैं फिर से वही सिनोनिम्स रिवाइज करूंगा और आपको वो सारे के सारे सिनोनिम्स मैंने पहले भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। मीनिंग हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाता है कास्टिगेट, च्यू आउट, ड्रेस डाउन, फ्ले, हैमर, लैम्बास्ट, हिट आउट, पुल अप, एडमोनिश, चाइड, रिप्रूव, कंडेम, सेंसर, एक्सकोरिएट, रिब्यूक, रेप्रिमांड, स्कोल्ड, रिप्रोच, टंग लैश, अपब्रेड एंड सेंसर। ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं आपके इंडिविजुअली सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, आप सारे के सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स में पूछे जा चुके हैं, चेस्टाइज भी पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा रिवीजन में, इसको जरूर से आप रिवाइज करिए, जितने भी सिनोनिम्स लिखे हैं इनको रटिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। ही चेस्टाइज द टीम फॉर दियर लैक ऑफ कमिटमेंट, तो ये आप उसके याद रख सकते हैं। नाउन हो जाएगा एम ई एन टी लगा देंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, चेस्टाइजमेंट इसका नाउन बन जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, 3 दिन से लगातार ये टर्म आ रहा है, इसके कोई ना कोई सिनोनिम आ रहा है, इसलिए आप खुद समझ लोगे कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद रखिए। अगला है शिकेनरी, टर्म लिखा है शिकेनरी, शिकेनरी का मतलब हो जाता है द यूज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स एंड क्लेवर टॉक इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, यानी कि कुछ इस तरीके से बात करना, क्लेवर चतुराई भरे अंदाज से बात करना लोगों को धोखा देने के लिए, इज कॉल्ड शिकेनरी, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा आर्टिफिस, शिकेन, सटरफ्यूज, हैंकी पैंकी, जिगरी पोकरी, जगलरी, लेजर डिमीन एंड स्कल जगरी, ठीक है, या फिर इसका सिनोनिम आपका, सो क्लियरली देयर इज सम शिकेनरी गोइंग ऑन, यानी कि जरूरी वहां पे कुछ ना कुछ डिसीव करने की कोशिश चल रही है, उसको धोखा देने की कोशिश चल रही है, तो शिकेनरी मतलब क्लेवर यूज ऑफ टॉक्स टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देने की कोशिश करना। सो आपको माधुरी भाभी अच्छे से याद होगी मिर्जापुर 2 में, सो शी वन इलेक्शन थ्रू शिकेनरी, यानी कि उन्होंने शिकेनरी यानी कि क्लेवर यूज ऑफ टॉक्स के थ्रू इलेक्शन को जीता। आपको पता है किस तरीके से वो एक फाइल लेके, खाली फाइल लेके घूम रही थी और ऐसा लगता था कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो शी वन इलेक्शन थ्रू शिकेनरी, आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब हो जाता है आपका यूज ऑफ क्लेवर टॉक्स टू डिसीव पीपल, ठीक है। ऑलराइट, अगला टर्म हमारा है आपका काइमेरा, काइमेरा का मतलब हो जाता है अ क्रीचर विच विद अ लायंस हेड अ गोट्स बॉडी एंड स्नेक्स टेल दैट कैन ब्रीथ, ये आपका एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो कि जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है ऐसा ही ये कैरेक्टर है, जैसे आपको ये पिक्चर इधर या इधर दिख रही होगी ऐसा ही ये कैरेक्टर है आपका, जिसमें आपका लायन का हेड है, गोट की बॉडी है और स्नेक की टेल है, ठीक है, आउट और जो कि ब्रीथ फायर को ब्रीथ आउट करता है, तो उसे भी काइमेरा कहते हैं, या फिर काइमेरा का दूसरा मतलब है इम्पॉसिबल आइडिया और होप को भी कहा जाता है काइमेरा। सिनोनिम हो जाएगा कंसीट, ड्रे ड्रीम, डिल्यूजन, ड्रीम, फैंसी, फैंटेसी, पिगमेंट, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, फैंटेज्म, या फिर पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम भी अनरियलिस्टिक ड्रीम के लिए आता है, अनरियलिटी विजन, रिलीजियस यूनिटी रिमेंड एज मच अ काइमेरा एज एवर, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर जिसको जो कि मैं बता रहा हूँ, लायंस हेड, गोट्स बॉडी एंड स्नेक्स टेल, ये आपका एक्चुअली काइमेरा ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग है, या फिर काइमेरा का दूसरा का मतलब ये भी होता है एन इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल आइडिया जो कि कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है कॉलरिक, कॉलरिक का मतलब होता है इजिली मेड एंग्री, जो कि बहुत जल्दी गुस्सा कर दिलवाया जा सके, जिसे आसानी से गुस्सा आ जाता है उसे कॉलरिक कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा प्रिकली, क्विक टेम्पर्ड, रेस्पी, रैटी, शॉर्ट टेम्पर्ड, स्नैपिश, स्नैपी, स्नाकी, स्निपेटी, स्निपी, स्टफी, टेस्टी, वेस्पिश, ये सारे सिनोनिम्स रहेंगे, जो शॉर्ट टर्म पर टेम्पर्ड है, जो आपका बैड टेम्पर्ड है, जिसे आसानी से गुस्सा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ कॉलरिक सेल्फ इंपॉर्टेंट लिटिल मैन, एडवर्ब हो जाएगा कॉलरिकली, ठीक है। तो आपको ये पिक्चर याद होगी गोलमाल 3 में, जो अजय देवगन का कैरेक्टर होता है, वो जैसे ही फिंगर देखता है उसको गुस्सा आ जाता है, तो ही वॉज अ कॉलरिक कैरेक्टर, शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर, जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, ठीक है। तो इस पिक्चर के थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं, कॉलरिक मतलब हो गया जिससे जल्दी गुस्सा आ जाए, ठीक है। अगला है आपका क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है सीवियर, किसी भी टर्म में क्रोनिक लग जाएगा तो उसका मीनिंग हो जाएगा सीवियर, जैसे क्रोनिक एक बीमारी का नाम है, ये ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर को हम लोग साइंटिफिकली क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया कहते हैं, तो क्रोनिक मतलब हो जाता है सीवियर, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिफिकल्ट टू क्योर, सिनोनिम हो जाएगा ब्रेड इन द बोन, कन्फर्म्ड, डाइड इन द वूल, हैबिचुअल, इनवेटरेट, देयर इज अ क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर, यानी कि देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ टीचर, टीचर्स की काफी ज्यादा कमी है,
नाउन हो जाएगा क्रोनिसिटी, ठीक है। अगला टर्म है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब देखिए इसमें क्रोन लगा है, क्रोन का मतलब टाइम हो जाता है, तो क्रॉनिकल का मतलब हो गया रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे हैपेंड, यानी कि टाइम वाइज मैनर में अगर आप चीजों को लिखते हैं तो उसे क्रॉनिकल कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा अकाउंट, क्रोनोलॉजी, कमेंट्री, हिस्ट्री, नरेशन, नैरेटिव, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, स्टोरी। आई हर्ड द सैड क्रॉनिकल ऑफ हिज एक्सीडेंट, यानी कि उसके एक्सीडेंट्स के टाइम वाइज हमने घटनाक्रम सुना कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो क्रॉनिकल मतलब हो जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नरेशन ऑफ स्टोरी, ठीक है। तो आपको याद होगा कि क्रोनोलॉजी समझिए, यानी कि क्रोनोलॉजी ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझिए कि क्या क्या होने वाला है, टाइम बाउंड मैनर में समझिए। अगला टर्म होता है आपका सर्कुटस। देखिए सर्कुटस में जो रूट वर्ड है वो ओयूएस तो आपका एडजेक्टिव बता रहा है, सर्कुटस में सर्कल से आता है टर्म, और सर्कल मतलब क्या होता है, गोल गोल घूमना, तो सर्कुटस मतलब हो गया लॉन्ग एंड नॉट डायरेक्ट वे टू समवेयर, कहीं का भी लंबा रास्ता जो कि डायरेक्ट नहीं है उसे सर्कुटस कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा सर्कुलर, इनडायरेक्ट, राउंड अबाउट, एंटोनिम हो जाएगा डायरेक्ट, स्ट्रेट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो मतलब घुमा फिरा के कहीं पर रास्ता जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुटस वे, ठीक है। तो द जर्नी वॉज सर्कुटस एंड स्लो, यानी कि जर्नी जो थी वो काफी ज्यादा सर्कुटस थी, जिसमें काफी ज्यादा घुमावदार रास्ते से हम पहुंचे थे और काफी ज्यादा स्लो थी, तो सर्कुटस आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे जो रास्ते होते हैं दे आर वेरी सर्कुटस, बहुत ही घुमावदार होते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और एडजेक्टिव से अगर एडवर्ब बनाना है तो एल वाई लगा दीजिए, सर्कुटसली, ठीक। अगला टर्म है सर्कम लोक्यूशन, तो सर्कम मतलब घुमा फिरा के, दूसरा रूट वर्ड है लोका, एल ओ सी, लोका, लोका का मतलब होता है कहना, बोलना, और टी आई ओ एन जो है वो नाउन का सफिक्स है, तो सर्कम लोकेशन का मतलब हो जाता है द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ क्लियर डायरेक्ट वे, यानी किसी बात को घुमा फिरा के कहने का तरीका इंस्टेड ऑफ उसको डायरेक्ट कहने के तरीके से, यानी कि जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करके कहना और घुमा फिरा के कहना क्या कहलाता है, सरकम लोकेशन। सिनोनिम हो जाएंगे इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन शफल करना, टर्जीवरेशन, इसके अलावा सिनोनिम फॉर एग्जांपल हो जाएगा पॉलिटिशियंस आर एक्सपर्ट्स इन सरकम लोकेशन, पॉलिटिशियंस हर बात को घुमा फिरा के कहते हैं, और एडजेक्टिव इसका हो जाएगा सरकम लोकेटरी, ठीक है। अगर आपको याद हो ये सरकम लोकेशन, ये लक्ष्य फिल्म का एक गाना है जिसमें ऋतिक रोशन प्रीति जिंटा से कहता है अगर मैं इस बात को जरा घुमा नहीं, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है और मेरी बस यही चाहत है तो तुम क्या कहोगे, तो प्रीति जिंटा कहती है अगर तुम इस बात को जरा घुमा फिरा कर कहते, थोड़ा और सजा के कहते तो अच्छा होता, यानी कि आप क्या करके कहते, सरकम लोकेशन करके कहते, डायरेक्ट मत कहो, थोड़ा सा घुमा फिरा के कहो, पूरा उस बात को 30 सेकंड में ना कहके पूरा एक 5 मिनट का गाना बनाओ और फिर कहो, तो इसे कहेंगे सरकम लोकेशन। तो सरकम लोकेशन समझ में आ गया क्या है, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला टर्म हमारा है आपका सरकमस्क्राइब। सरकमस्क्राइब आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, सरकमस्क्राइब जैसे कि ये सर्कल्स हैं आपके, इन्होंने ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब कर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आप किसी को चारों तरफ से घेर लोगे तो उसकी फ्रीडम को आप लिमिट कर देते हो, उस व्यक्ति को कहीं तक रेस्ट्रिक्ट कर देते हो, सीमित कर देते हो, तो उसे कहते हैं सरकमस्क्राइब। टू ड्रॉ अ सर्कल अराउंड अनदर शेप, ये भी मतलब है दूसरा किसी की राइट्स को, किसी के पावर को, किसी की शक्तियों को लिमिट कर देना। सो सिनोनिम हो जाएगा कैप लगाना, कन्फाइन करना, होल्ड डाउन, लिमिट, रेस्ट्रिक्ट, एंटोनिम हो जाएगा एक्सीड करना। पील प्लीज सर्कमस्क्राइब द वर्ड विच आर रॉन्गली स्पेल्ड, एक ये भी मीनिंग हो जाएगा यानी कि जो गलत स्पेल्ड है उनको सर्कल लगाइए। दूसरा मतलब द पावर ऑफ मोनार्की वॉज सर्कमस्क्राइब्ड बाई द न्यू लॉ, यानी कि जो मोनार्की की जो शक्ति थी वो कम कर दी गई बाई अ न्यू लॉ, सर्कमस्क्राइब मतलब उस शक्तियों को कम करना। अगला टर्म होता है सर्कम स्पेक्ट, तो सरकम मतलब चारों तरफ, स्पेक्ट मतलब होता है देखना, एसपीईसी जो है इसका मतलब होता है देखना, तो सरकम स्पेक्ट का मतलब हो गया ये क्या है, एडजेक्टिव, मतलब हो गया थिंकिंग वेरी केयरफुली अबाउट समथिंग बिफोर डूइंग इट बिकॉज देयर मे बी रिस्क्स इन्वॉल्व, यानी कि किसी बात को कहने से पहले बहुत अच्छे से सोचना क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड आपका सरकम स्पेक्ट, ठीक है। तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब हो जाता है किसी की चीज के बारे में बहुत अच्छे से सोचना, बिफोर डूइंग इट विल बी द राइट वर्ड, ठीक है।
तो सिनोनिम हो जाएंगे अलर्ट होना, बहुत केयरफुल होना, बहुत कॉशियस होना, चैरी, कंजर्वेटिव, कंसिडरेट, जिंजरली, गार्डेड, हीटफुल, सेफ, वेरी. एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, हीडलेस, इनकॉशियस, अनगार्डेड, अनमाइंडफुल, अनसेफ और अनवेरी. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ वेरी सर्कमस्पेक्ट व्हेन डीलिंग विद स्ट्रेंजर्स. वो काफी ज्यादा केयरफुल रहती है जब वो स्ट्रेंजर्स के साथ में डील करती है. ठीक है, नाउन हो जाएगा सर्कमस्पेक्शन, टी आई एन लगा दोगे तो नाउन बन जाएगा. तो आपको याद होगा, आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि सोल्जर्स, एवरी सोल्जर सर्कमस्पेक्ट्स वेरी केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी मूव. यानी कि कोई भी मूव करने से पहले बहुत अच्छे से चारों तरफ देखता है, बहुत अलर्ट होता है, बहुत वॉचफुल होता है, बहुत केयरफुल होता है. यानी कि बहुत अच्छे से देखता है चारों तरफ, समझ गए, बहुत ही कॉशियस होता है. अगला टर्म होता है सर्कमवेंट. तो सर्कमवेंट का मतलब होता है टू फाइंड अ वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफिकल्ट और अ रूल, डिफिकल्टी और अ रूल. किसी मुश्किल समस्या, किसी मुश्किल हालात का या किसी रूट को से बचना. ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर बनी है कि आप किसी मुश्किल से बच के निकल जा रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं. तो सिनोनिम हो जाएगा बीट करना, बाईपास करना, डॉज करना, गेट अराउंड, शॉर्टकट, साइड स्टेप, स्कर्ट. एंटोनिम हो जाएगा कंप्लाई विद, फॉलो, कीप, ओबे, ऑब्जर्व. वी वेंट नॉर्थ इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट द माउंटेन्स. माउंटेन्स से बचने के लिए हम नॉर्थ की दिशा में चले गए. तो सर्कमवेंट मतलब होता है किसी मुश्किल समस्या से या किसी मुश्किल रूट से बचना. अगला टर्म हमारा क्या है? अगला टर्म हमारा होता है आपका सिविल. तो सिविल का मतलब है कनेक्टेड विद पीपल हु लिव इन अ कंट्री. तो सिविल मतलब होता है ही इज अ सिविलाइज्ड पर्सन, बहुत ही सभ्य व्यक्ति है. सिविल मतलब हो गया जो देश में रहने वाले लोग हैं उनसे कनेक्टेड होना किसी भी तरीके से. तो सिनोनिम हो जाएगा इसका नेशनल, पब्लिक. ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा नॉन नेशनल. सो देयर वर कंसर्न्स दैट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स माइट लीड टू सिविल अनरेस्ट. यानी कि लोगों की ये चिंताएं थी कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो सिविल अनरेस्ट की तरफ ले जा सकती हैं. ठीक है, तो सिविल मतलब हो जाता है आपका जो लोगों से एक तरीके से सभ्य. इसमें कुछ खास नहीं था. अगला टर्म है क्लैंडेस्टाइन. तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है? क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है कैंडिड. वर्ड पढ़ा था हमने, कैंडिड का जस्ट अपोजिट है कैंडिड, कैंडर, अवाव पढ़ा था. तो इसका क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है डन सीक्रेटली और केप्ट सीक्रेट, जो चुपके से किया जाए और चुपके ही छुपा के ही रखा जाए. सिनोनिम हो जाएगा बैकस्टेयर्स, बिहाइंड द सीन्स, कोवर्ट, फर्टिव, होल एंड कॉर्नर, हगर मगर, हश हश, प्राइवेट, प्रिवी. एंटोनिम हो जाएंगे ओपन, ओवर्ट एंड पब्लिक. तो इस कैंडिड भी हो जाएगा, फोर्थराइट, स्पोकन भी हो जाएगा, इसके अलावा अवाव भी हो जाएगा, कैंडर हम लोगों ने कल टर्म पढ़ा था वो भी हो जाएगा. द ग्रुप हेल्ड वीकली क्लैंडेस्टाइन मीटिंग्स इन अ चर्च. तो आपको ये पिक्चर याद होगी, चोरी चोरी चुपके चुपके. तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब ही सिंपल यही है, चोरी चोरी चुपके चुपके. ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, अभी तक लाइक नहीं किया है तो. और चैनल पे नए हो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करो. इसी तरीके से आगे भी मैं वोकैबुलरी लेकर आता रहूंगा. और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. साथ ही साथ कमेंट में अगर वीडियो देखा है तो अटेंडेड जरूर लिखिए, सो दैट आई कैन नो दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो. ठीक है, तो अटेंडेड जरूर लिखिएगा. अगला टर्म हमारा क्या है? क्लीमेंसी. क्लीमेंसी का मतलब होता है काइंड ट्रीटमेंट ऑफ समबडी व्हेन दे आर बीइंग पनिश्ड. यानी कि किसी को जब सजा मिल रही है तो उसके साथ काइंड बिहेव करना, विनम्रता से थोड़ा सा बिहेव करना. ठीक है, लीनियंसी इज द टर्म. सिनोनिम हो जाएगा चैरिटी, फोरबियरेंस, लीनियंसी, लीनियंस, लीनिटी, मर्सीफुलनेस, मर्सी, क्वार्टर, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे. तो शी वॉज ग्रांटेड क्लीमेंसी, यानी कि उस पर दया की गई. ठीक, तो आफ्टर किलिंग हर वायलेंट हस्बैंड. तो क्लीमेंसी के लिए आपको ये पिक्चर अच्छे से समझ में आ गई होगी. तो इसमें आपको याद होगा ये जो देवेंदु भट्टाचार्य जी हैं, ये मिर्जापुर सीजन 2 का एक सीन है जिसमें वो कुछ कहते हैं. तो वो क्या कहते हैं? प्लीज शो सम क्लीमेंसी, थोड़ी दया करो. ठीक है, वो कुछ और कहते हैं, फिलहाल आप ये समझ लीजिए प्लीज शो सम क्लीमेंसी मतलब हो गया थोड़ी दया कीजिए. ठीक है, अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा टर्म है आपका क्लीशे. क्लीशे टर्म भी हम लोग पहले दिन ही क्लास में कर चुके हैं. क्लीशे का सिनोनिम क्या होता है? बेनल, प्लैटिट्यूड, ट्राइट, कॉमन प्लेस, जिसमें कुछ नयापन ना होना, स्टीरियोटाइप्ड. यानी अ फ्रेज और एन आइडिया दैट हैज बीन यूज्ड सो ऑफन दैट इट नो लॉन्गर हैज मच मीनिंग एंड नॉट इंटरेस्टिंग. यानी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फ्रेज, कोई ऐसा आइडिया जो कि बहुत पुराना हो गया है,
बहुत घिसा पिटा हो गया है और उसमें कोई भी नई बात नहीं बची है कहने को, उसे कहते हैं क्लीशे। तो इट हैज बीन क्लीशे नाउ, यानी कि इसमें कुछ नया बात नहीं बचा है, कुछ नयापन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड क्लीशे। सिनोनिम हो जाएगा बेनेलिटी, क्लीशे का सिनोनिम बेनल हो जाता है। ब्रोमाइड हो जाएगा चेस्टनेस्ट, कॉमन प्लेस, क्रोनर, होमिली, प्लैटिट्यूड भी हो जाएगा, शिबोलेथ, ट्रोप, ट्रूइज्म, ये सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं, प्लैटिट्यूड, कॉमन प्लेस, क्लीशे, स्टीरियोटाइप्ड, ठीक है। इट हैज बिकम अ क्लीशे टू से दैट प्रेग इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी इन यूरोप, ठीक है। तो मैंने पहले दिन भी यही एग्जाम्पल दिया था, अभी भी वही देंगे कि जोक्स ऑन भाईज मूवी हैव बिकम क्लीशे नाउ, यानी कि हर साल भाई की मूवी आती है और हर बार हम सेम तरीके के जोक्स मारते हैं कि पैंडेमिक आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो इसमें अब कुछ नयापन नहीं बचा है, तो इट हैज बिकम क्लीशे, ठीक। अगला टर्म हमारा है क्लीक। क्लीक का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट अलाउ एनी अदर्स टू ज्वाइन देम, यानी कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अपने समय को साथ साथ गुजारते हैं और जल्दी किसी को और को ज्वाइन होने नहीं देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लीक। तो आप में से सभी लोगों का ऐसा कोई ना कोई क्लीक होगा। सिनोनिम हो जाएगा बॉडी, बंच, सर्कल, क्लैन, कम्युनिटी, कोटरी, कोटरी इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दैट टर्म, कोवेन, क्राउड, फोल्ड हो जाएगा। द क्लब इज डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल क्लीक, यानी क्लब में सिर्फ एक छोटे से ग्रुप के लोग ही रहते हैं, बाकी और कोई नया नहीं है, ठीक है, क्लीक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। एडवर्ब क्या हो जाएगा, क्लीकिशली, ठीक। आपको ये एस्पायरेंट्स में तीनों अच्छे से याद होंगे, आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो दे हैड अ क्लीक ऑफ देम, इनका जो छोटा सा क्लीक था, इनका छोटा सा ग्रुप था, कोटरी था, ठीक है। तो इससे आप याद रख सकते हैं क्लीक, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। अगला टर्म है कोलिस। कोलिस का मतलब होता है टू कम टूगेदर टू फॉर्म वन लार्जर ग्रुप, सब्सटेंस, एटसेट्रा, यानी कि साथ में आना एक लार्जर ग्रुप बनाने के लिए, एक सब चीज को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ये दो एटम्स होते हैं ना, वो साथ आते हैं एक नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए, दैट्स कॉल्ड कोलिस, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा एसोसिएट, कंबाइन, कंजॉइन, कॉन्जुगेट, कनेक्ट, कपल, फ्यूज, इंटरफ्यूज, ज्वाइन, लिंक, एमलगमेट भी हो जाएगा, मैरी, यूनिफाई, यूनाइट। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेकअप होना, डिजर्व होना, डिसअपीयर होना, पार्ट, सेक्शन, सेपरेट, ठीक है, सीवियर, स्प्लिट, संडर, अनलिंक, ठीक है। सो देयर दे कोलेस टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, तो एडजेक्टिव हो जाएगा कोलेसेंट, ठीक है। तो कोलेसेंट, कोलेस याद रखेंगे, दो चीजों का साथ आना टू फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। सो इन द लास्ट एपिसोड दे कोलेस टूगेदर इन द लास्ट एपिसोड टू कंप्लीट दियर ट्राइपॉड, वो अपने ट्राइपॉड को कंप्लीट करने के लिए लास्ट एपिसोड में वो साथ आते हैं, तो दे कोलेस टुगेदर इन द लास्ट एपिसोड टू कंप्लीट दियर ट्राइपॉड। तो याद रखेंगे कोलेस मतलब क्या होता है, साथ आना टू कंप्लीट, टू मेक सम मेक अ लार्जर ग्रुप, ठीक है। अगला टर्म होता है हमारा कोर्स। कोर्स का मतलब हो जाता है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट्स, किसी को धमकाना, डराना और उससे जबरदस्ती से कोई काम कराना, क्या कहलाता है, कोर्स करना, ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएगा ब्लैक जैक, कंपेल, कंस्ट्रेन, ड्रैगन, ड्रैगून, ड्राइव फोर्स, इंपेल, इंप्रेस, मेक मसल, ऑब्लिगेट, जबरदस्ती से कोई काम कराना, ऑब्लाइज, प्रेस, प्रेशर, सैंडबैग, ये हो जाएंगे। आई वाज कोर्स्ड इनटू द जॉइनिंग द गैंग, यानी कि मुझे फोर्स किया गया था गैंग को ज्वाइन करने में, ठीक है। और एडजेक्टिव हो जाएगा कोर्सिबल, ठीक। तो कोर्स के लिए आप ये आसानी से याद रख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी इसमें कहते हैं कि तो करना, यानी कि जबरदस्ती फोर्स करना, एक तरीके से कि करिए ना, अगर करना है तो। कोर्स मतलब होता है जबरदस्ती किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, ठीक, याद रख सकते हैं। अगला टर्म है हमारा कोजेंट। कोजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मतलब होता है स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, स्ट्रांगली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन अ वे दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट पीपल बिलीव, यानी कि बहुत ही लॉजिकल तरीका, एक तरीके से कॉजेंट मतलब होता है स्ट्रांगली और क्लियरली किसी बात को कहना जो कि इन्फ्लुएंस करती हो कि लोग क्या बिलीव करते हैं, ठीक। सिनोनिम हो जाएगा कंपेलिंग, कंक्लूसिव, कन्विंसिंग, डिसाइसिव, इफेक्टिव, फोर्सफुल, परसुएसिव, सेटिस्फाइंग, स्ट्रांग, टेलिंग, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा इनकंक्लूसिव, इनडिसाइसिव, इनइफेक्टिव, अनकंपेलिंग, अनकन्विंसिव, अनपर्सुएसिव, यानी कि जो चीज आपको पर्सुएसिव नहीं लग रही, जो आपको लग नहीं रहा कि आप बिलीवेबल है, ठीक है। तो ही प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजंस फॉर द चेंज ऑफ पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी को चेंज करने के लिए उसने बहुत ही वैलिड रीजंस दिए, ऐसे रीजंस दिए जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हो,
ठीक है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाता है कोजेंटली, तो आप इसे याद रख सकते हैं, कोर्स नहीं होगा यहाँ पे, कोजेंट लिखा जाएगा ऊपर, टाइटल में गलत लिखा है। तो फॉर एग्जाम्पल अभिलाष सेज टू घुरी दैट गिव मी वन कोजेंट रीजन वाई यू डिड दिस टू मी, ठीक है, वो एक सीन होगा जिसमें आपको याद होगा, जिसमें वो घुरी से कहता है कि तुमको जरा सा भी गिल्ट नहीं है ना, तो वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हो कि ही सेज गिव मी वन कोजेंट रीजन टू गिव मी वन कोजेंट रीजन वाई यू डिड दिस टू मी, कि मुझे साथ ही क्यों किया। कोजेंट मतलब एक बिलीवेबल, एक लॉजिकल ऐसा रीजन दो जो परसुएबल लगे, ठीक है, बिलीवेबल लगे। तो ये सारे आज के हमारे टर्म्स थे। अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो AMENT कोड इस्तेमाल करके ले सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए और जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो मैंने शुरुआत में स्लाइड्स दिखाई थी, @AmanTrivedi आखिर में लिखोगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए जिससे कि हम ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट वी कैन रीच टू द लार्जर ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।